देसी टॉक के 100 एपिसोड पूरा हो गए। अपन देसी पनला देश विदेश तक पहुंचाए बर हम लगातार प्रयास करत हन और आज हमार साथ हैं जगत गुरु गुरु रुद्र गुरु हमार साथ हैं जिनकी कैबिनेट मंत्री भी हैं साथ ही वह समाज बर सतनामी समाज बर अथक प्रयास करत हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है। धन्यवाद और हमार तरफ से भी सबसे पहले आप ला आपके पूरा चैनल ला और टीम ला 100 एपिसोड होए के बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आभार आपके। जीवन के शुरुआत से हम बात करबो और हम चाहथन कि काबर के जिन आपके परिवार रहे है लगातार छत्तीसगढ़ पर प्रयास करी वो कुल परंपरा से आप मनाथा हो जिन मन छत्तीसगढ़ बहुत कुछ दे है तो आपके ऊपर दूसर ले ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है ऐसा आप महसूस करता हो? निश्चित तौर पर काबर कि अगर मोर पूरा परिवार के अगर बात करे जाए तो आज़ादी के समय से मोर परिवार पूरा समाज के हित पर विकास पर काम करीस। जब आज़ादी के समय आईस तो उस समय मोर दादाजी है जगत गुरु अगमदास जी एंटरिम गवर्नमेंट में सांसद भी रहीस और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान के संविधान लिखे के जब बारी आईस और जो समिति बनीस जेकर अध्यक्ष सम्माननीय अम्बेडकर जी रहीस वो समिति के मोर दादाजी है जगत गुरु अगमदास जी है अहम सदस्य भी रहीस जेकर राय ला मान के संविधान में कई सारी चीज़ें जोड़े गईस और आज सतनामी समाज अनुसूचित जाति वर्ग के वाला लाभ भी प्राप्त होते। अब थोड़ा बात ला दूसर तरफ ले जाथन कुछ निजी जीवन में आपके आथन खाए में का पसंद करता हो आप? खाए में अभी खा के आता हूँ। नहीं अभी खा के आता हूँ लेकिन खाए में जिन ऐसी चीज़ जिला आप कहो कि भैया बनवावे बहुत दिनों के नहीं खाए होंगे क्यों? अब जैसे हमारा जो चीला वाह चटनी है अभी वही खा के मैं आता हूँ वही आप लोग बताए मतलब ये सब चीज़ जो है एला बढ़ावा मिलना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन ला। खेल जिन है हमारे जिन पारंपरिक जिन खेल है वो आप खेले भी नहीं खेले हो? निश्चित तौर पे जब मैं लेकर रही हूँ उस समय मैं खेले हूँ। का का खेल खेला आप? हमारे जैसे कि अब कई सारे खेल बाटी और हाँ बाटी हो गए अपन चक्री हो गए होकर मतलब जब लेकर रहे तो वो समय ना बहुत बड़े ना वो रही हमारे ऊपर केला अपन चलाए के बाद हाथ में ना कैसे उठाना इसे उछाल वो तो। टीचर जेखर ले डर लगा जेखर क्लास में डर लगा एक हवे मैम रॉड्रिक्स वो इंग्लिश पढ़ाते रही समझ लो अंग्रेजी पर बहुत अच्छा मैडम रही वो मोला भी पढ़ाए है और मोर बिटिया भी अभी पढ़े है राजपुर कॉलेज में वाह वाह मोला भी वो पढ़ा है। अच्छा तो मतलब बहुत अच्छा एक तजुर्बा रही वहाँ के और वो वहाँ के मतलब याद ही एक अलग है राजकुमार कॉलेज के बुलाया नहीं जाता कोई राजकुमार कॉलेज के काबर की राजकुमार कॉलेज से संबंधित बहुत सारा लोगल ना मैं जानता हूँ। हाँ। राजकुमार कॉलेज में के जिन शरारत थे बड़ा फेमस है ओखर से जुड़े कुछ बात जिन आप ध्यान हो जिन वो टाइम के? अब कई सारे चीज़ तो ऐसे है कि थोड़ा सारांश में बता दो आप अब डिस्कॉलर मन कभी कभी आते रही तो मतलब कुछ ना कुछ घर से हॉस्टल के ना खाना खा के कई बार थक जाते हैं बोर लगे लगते हो भाई बोर लगे पर लगते हो तो मन अपन तरफ से ना लेके आते रहे पार्सल। हाँ। और हम संग में जब लंच टाइम में हम ना बैठे रहे तो कई बार हमने ये हमन के ध्यान से ना उतर जाते रहे कि स्कूल क्लास शुरू हो गया। अच्छा और हमन देरी हो जाते रहे। हाँ। वापस जाए के बाद जो हमारे सर मन टीचर मन वो समय ना एक पनिशमेंट सबसे ज़्यादा चला था राजकुमार कॉलेज में नील डाउन हो जाओ 15 मिनट अरे दादाजी दोनों घुटना के हालत ख़राब हो जाते रहे। ये तरीके के कई सारे मतलब नोक झोंक हल्के फूके। आप जिसे मंत्री जिन परिवार से आप आता हो और वो परिवार के आदमी छत्तीसगढ़ी का उपयोग ज़्यादा ज़्यादा करते अपन जीवन में लेकिन कई बार ऐसे होते लोगन के जो नज़रिया है छत्तीसगढ़ी भाषा लेके वह देहाती या गवैया समझ लेते वो जिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी भाषा लेके जिन हीन भावना आवत है मैं चाहता हूँ कि आप अपन माध्यम से जिन हमारे छत्तीसगढ़िया भाई हैं बहनी हैं उमन ला कहो कि गर्व के साथ छत्तीसगढ़ी बोलाएं। इमा मैं दो बात बोलना चाहूँ अगर कोई छत्तीसगढ़ी भाषा ला लेके हीन भावना या फिर कोई गलत राय रखते तो मोर हिसाब से छत्तीसगढ़िया नहीं है बोला प्रदेश में रहना ही नहीं चाहिए। जो अपन मातृभाषा अपन परंपरा ला के निर्वहन नहीं कर सकते बोला कोई हक नहीं बनते यहाँ रह के। और दूसरी चीज़ है युवा मन ला विशेष तौर पे काबर की हमारे बुजुर्ग मन तो आज भी छत्तीसगढ़ी में के उपयोग करते हैं आज भी भले घर में आपके मतलब वो है गैस कनेक्शन लेकिन स्वाद चूल्हा की आते काबर की छत्तीसगढ़िया का तरीका है वो तो मतलब लेकिन नौयुवक मन ला मैं बोलना चाहूँ हर भाषा आप मन ला आना चाहिए
हर परंपरा के जानकारी आप ला होना चाहिए। ओकर से आप मन जतेक जानकारी मिली आप मन के व्यक्तिगत विकास हुई। लेकिन अपन मातृभाषा, अपन प्रदेश, अपन जनता, हमार छत्तीसगढ़ियाला आप मन से भी मैं आग्रह करूँ, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहत हन, हमार साथ दो। आप भी हमार छत्तीसगढ़ के, हमार प्रदेश के, हमार परिवार के साथी मनो, हम मिलजुल के अपन प्रदेश के नाम ला रोशन करें, छत्तीसगढ़ के नाम ला नाम लो पूरा विश्व में हम रोशन करें। एक अंतिम सवाल है आपसे कि छत्तीसगढ़ जन पहली भी आप संदेश दे हो, छत्तीसगढ़ के जन लोगन हैं उन लाइक कैसे संदेश दो, काबर की छत्तीसगढ़ में जिन सबले बड़ी समस्या चलत है वो नशा के है, और नशा के कारण हमारे छत्तीसगढ़ी भाई बहन जिन दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनका भटकाव हो जाते हैं, उनला मैं चाहता हूँ कह कर आप संदेश जरूर दो कि नशा से दूर रहें उमन। आप बहुत अच्छा बात ला भी आप लेके आए हो, एक बार मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के भी संदेश हैं, नशा से दूर रहो, काबर के ओकर से काब आज तक काकरो भला नहीं हुए। और हमारे सरकार बने के पहले हमारे घोषणा पत्र में भी रही कि हमारे सरकार बनी तो हम नशा प्रतिला समाप्त करबो। आप सबसे यही आग्रह है, चाहे कोई भी समाज के साथी हो, कोई भी धर्म के संगवारी मन हो जो मोर बात ला सुना, तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँ, हर धर्म, हर समाज, हर परंपरा एक ही चीज़ समझाते हैं, नशा ला पान ला समाप्त करो, अपन परिवार, अपन समाज और अपन प्रदेश के विकास करो। बहुत अच्छा बात। और आपके जिन देसीपन है, जो हमारे प्रोग्राम के नाम भी देसी टॉक है, आपके जिन देसीपन है निश्चित रूप से प्रभावित करे वाले है, और छत्तीसगढ़ के हर युवा मन ला मैं चाहूँ जिन संदेश गुरु जी दे हैं कि नशा से दूर रहो, ओला अपन जीवन में आत्मसात करो। हमारे साथ रही से देसी टॉक में जगत गुरु गुरु रुद्र कुमार जी, जिकर साथ हमन जानें कौन तरीके से जीवन उन जीन है, और दूसर बात यह है कि उन जतकच संदेश छत्तीसगढ़ के लोगन ने दिन है तेन अनुकरणीय है। गुरु जी आपके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।